सुनिए, बहुत दिन हो गए, मेरी तारीफ कीजिए ना। ओ खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं, और ठुड्डों की बरसात करके मैं तुमको सुझा दूं, ख्यालों की खुशफहमियां माफ हो, बीवी की मनमानियां माफ हो। थोड़े से बर्तन पड़े हैं, धो दो ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं। आपको पता है अपने साथ वाले पड़ोसी नहीं है जो? हाँ हाँ। हॉस्पिटल में दाखिल है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उनकी वाइफ ने बोला था उनको कि बर्तन धो दो, उन्होंने मना कर दिया। बाद में पता नहीं क्या हुआ। खाली बर्तन धोने हैं, कपड़े भी हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो नाम पूछना ही भूल गई। नाम कालू? नहीं, कलर नहीं, नाम पूछ रही हूँ। गजब बेइज्जती है। इस मिलावट के जमाने में एक बिजली विभाग ही है जो शुद्ध माल बेच रहा है। यकीन नहीं है तो तारों को हाथ लगा कर देख लो। हेलो, कहाँ रह गए यार, इतना टाइम हो गया। अरे बस यार, आ गया ऑफिस में, थोड़ा सा ना काम ज्यादा था, आज बॉस ने यार लंका लगा दी। मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ। बस अभी पहुँच रहा हूँ घर पे, ठीक है। A few moments later. ये भी कोई टाइम है आने का? अरे बस बताया तो यार। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ना ना, खाना नहीं आज। अरे वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सामने बढ़िया सी कचौरी बनती है, मैं वहीं खाया है। दो रेलवे स्टेशन? गार्ड की नौकरी पकड़ लिया क्या तुमने? अरे यार तुमसे क्या छुपा हुआ कांशा, क्या हुआ? अरे जैसे ऑफिस से निकला ना यार, बीच सड़क पे एक बेचारी अबला नारी, एक बच्चा हाथ में, 3-4 बैग उसके, बहुत परेशान सी दिखी। मैंने सोचा चलो इससे हेल्प पूछ लेता हूँ कैजुअली, ऐसे ही बस उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आया हूँ, कहीं जा रही होगी। अब बताओ छोटे से बच्चे को लेके कहाँ इतनी भीड़भाड़ में चढ़ती, हेल्प करनी चाहिए यार कभी कभी। ये तो तुमने ठीक किया वैसे, है ना। आज पता नहीं सब लोग अकेले ही जा रहे हैं। और कौन जा? हमारी पड़ोसी मिसेज अरुणा ना, वो भी अपने मायके ट्रेन से ही गई है। नौ वाली से गई होंगी। तुम्हें कैसे पता? अरे दो ही तो ट्रेन चलती है अंबाला की, एक सुबह और एक शाम।